बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था कमेंट्स में, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकते कमेंट्स में, तो इसलिए मैंने उनके लिए शॉर्ट वीडियो बनाई है। ये एक हैं इशाल अली और सेकेंड स्टूडेंट है ज़रीन फहद। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इनके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये वहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा? तो 0.1 मोलल दिया हुआ है। ठीक है, मोलर नहीं दिया हुआ। ठीक है, स्मॉल एम जो है वो मोलल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 0.1 मोलल सॉल्यूशन ही चारों जो आपके पास सुक्रोज, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का लिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से किसका जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा? तो सबसे पहले आप तो अंडरस्टैंड कर लें कि आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आपकी बुक में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है आपका सॉल्वेंट में। ठीक है, यानी वो वोलेटाइल भी नहीं है। आप जितना डालेंगे वाटर में, अगर आप उसको सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप जितना डालेंगे उतना ही रहेगा। ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर में वो इवेपोरेट कर जाएगा और बाद में दोबारा से आपका जो सॉल्यूशन बना हुआ था वो प्योर सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो आइंस में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा। मतलब वहाँ पर आपको ये बताया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है कि जो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो इस कंडीशन पर शो करें। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम जब एक सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट से डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सब प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, इंक्रीज़ करता है। क्या करता है? इंक्रीज़। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, सिंपल प्योर वाटर का होता है 100। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप उसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, ठीक है, चाहे वो मोलैरिटी की फॉर्म में हो या मोलैलिटी की फॉर्म में। मोलर का क्या मतलब होगा कि 1 मोल्स पर क्यूबिक पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप डालते जाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, मीन्स कि उसका स्टार्टिंग या आप कह सकते हो T1 जो होगा ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा प्योर वाटर का, और जो फाइनल मतलब सॉल्यूट डालने के बाद होगा वो T2 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो डिफरेंस होगा ना T2 - T1, इसको हम कहेंगे ΔTB। तो ये हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ΔTB को कहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, भर जाएगा T1 और T2 के दरमियान में, उतना ही जो है वो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जितना भर जाएगा उतना ही मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि सारे सॉल्यूशंस ही 1 मोलल हैं, तो फिर हमने किस ऑप्शन को चूज़ करना है? तो अभी हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के। ये आपकी बुक में ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसका साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का, तो कांस्टेंट आ जाता है KB, जो कि कांस्टेंट है फॉर वाटर। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये। ठीक है, और m, अब तो यहाँ पर हमारे पास k ऑलरेडी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट हो गया है क्योंकि सारे के सारे एक ही जैसे हैं,
तो अब किसे पता चलेगा। लेकिन अब हम इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज लाने वाले हैं, ठीक है। वो चेंज क्या है कि अगर आपके पास आई ऐड करें, आइंस, नंबर ऑफ आइंस, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मीन्स आप उसको वाटर में डालते हैं और वो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपके पास नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो है उसको वाटर में डालेंगे तो उसकी वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। वो 1.01 मोलल ही उसके मतलब पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, यानी 0.1 मोल्स ही रहेंगे। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है आपको पता है मैग्नीशियम प्लस टू और SO4 माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके जो है वो बन जाएंगे मोल्स टू, मीन्स के टू मोल्स ऑफ आइंस बन जाएंगे, तो मतलब टू आइंस हम इसके लिख लेंगे। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड जो है उसके जो है वो तीन आइंस बन जाएंगे, एक कैल्शियम आइन और दो क्लोराइड आइंस, और सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आइन और क्लोराइड आइन में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ से आप देख लें कि के बी और अगर एम कांस्टेंट है, मोलैलिटी कांस्टेंट है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितने ज़्यादा आइंस होंगे उतना ही ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ईशाल का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर भी नोट करेंगे इन्होंने 0.1 मोलल ही सॉल्यूशन लिए हुए तीनों। अब यहाँ पर भी देख लें, अगेन ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आप जब प्योर सॉल्यूशन में, प्योर सॉल्वेंट में एक डालते हो, सॉल्यूट ऐड करते हो और वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो जैसे अगर प्योर वाटर, प्योर जो है वो हमारे पास वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। उसमें आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, ठीक है, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, जितना जितना सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है ना वो कम होता जाएगा। उसको अगर आप नोट करें कि पहले सॉल्वेंट का कितना था, वो T1 था, और अब जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो गया है तो वो जिस जगह पे जाके अब अपना फ्रीजिंग पॉइंट शो कर रहा है वो T2 हो जाएगा, वो बहुत फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा, ठीक है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा उस सॉल्यूशन का जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया हुआ होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने ना, अब देखिए यहाँ से आप एक चीज़ नोट करें कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ का डिफरेंस होगा ना, यानी हाईएस्ट जो वैल्यू होती है ना उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, तो ये जो T1 और T2 का डिफरेंस है ना, ये हमारे पास डेल TF होगा, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये नहीं पूछा इन्होंने कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम है किसका ज़्यादा है, उसका उन्होंने पूछा है कि आप बताएं कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, मतलब T2 किसका हाईएस्ट है, ठीक है। तो अब हमने सबका T2 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब होगा कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड होता जाएगा उतना ही जो है वो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, अगेन यहाँ पर देख लें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मोलैलिटी के इक्वल है, ठीक है, मोलैलिटी के। लेकिन यहाँ पे तो सबकी मोलैलिटी सेम है क्योंकि आपकी बुक में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस लिए हुए हैं, तो इसलिए आपको यही इक्वेशन लिखवाई हुई है। लेकिन इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आइंस जितने ज़्यादा हो जाएंगे सॉल्यूशन में उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इन सब के आइंस चेक कर लेते हैं। सोडियम सल्फेट जो है वो उसके कितने आइंस बनेंगे, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, 3 आइंस इसके बनेंगे, NaCl के 2 आइंस बनेंगे और MgCl2 के भी 3 आइंस बनेंगे, 1 मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड। तो अब देखें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना ये डेल टी एफ का, ठीक है, यानी ये T1 और ये T2, तो उतना ही हमारे पास T2 की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी,
और जितना ये कम होगा तो इसका मतलब है कि T2 जो है वो हाईएस्ट या मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। तो आप या फिर डेल्टी एफ फाइंड आउट करने के बाद T2 खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास देखें आइंस की जिसकी अमाउंट कम है, ठीक है, उसका डेल्टी एफ भी कम आ रहा है। डेल्टी एफ का मतलब है कि T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो उसका कम आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस कि वो क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा वो सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसका T1 और T2 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ से हम यू कर लेंगे, ठीक है, डेल्टी एफ जो जिसका बहुत ज़्यादा होगा इसका मतलब है उसकी T2 की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है। तो हमने तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना था, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो NaCl का होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन आ जाए लास्ट क्वेश्चन पर, ज़रीन फाहद का क्वेश्चन है कि पास्ट पेपर में एक MCQ है, उसका आंसर दे दें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट STP। और इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, एक तो प्योर वाटर दिया हुआ है और दूसरा 0.15 मोलर शुगर सॉल्यूशन, 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन और 1.5 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो ये आपकी बुक से है ना, तो बुक में तो देखिए उन्होंने शुगर ही का सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें मोलारिटी चेंज हो रही है, 0.5 मोलर, 1 मोलर, 1.5 मोलर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है डेल्टी पी, जितना ज़्यादा आप मोलैरिटी इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, यानी प्योर वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम शो करें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और अब हम इसमें जितना जितना सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो किसका एलिवेट हुआ, 1.5 मोलर शुगर सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा डेल्टी बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है हमारे पास T1 है, और आगे जाके हमारे पास सॉल्यूट डालने के बाद T2 आ रहा है। तो ये इन्होंने हमसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। देखें 1.5 मोलर शुगर सॉल्यूशन का T2 तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर 1 मोलर वाले का होगा, फिर 0.5, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर वाटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टी बी नहीं पूछा, T2 पूछा है, T2, ठीक है। तो T2 जो है जितने भी 3 सॉल्यूशंस हैं उन सब का तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन जो है वो प्योर वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, बाकी जितना सॉल्यूट डालते जाएंगे उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूट ऐड करते जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको जो है वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि अगर किसी और को भी इस तरह के MCQs में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसकी जो है वो हेल्प कर सकें। थैंक यू।